दोस्तों, भले ही परिवार में सबके पास मोबाइल फोन हो, किंतु समय देखने के लिए घर में एक दीवार घड़ी तो अवश्य होती है, क्योंकि यह सदियों से हमारे घर का हिस्सा रही है। यदि घर में कहीं भी दीवार घड़ी न हो तो बहुत अजीब भी लगता है। कुछ घरों में तो एक से ज्यादा भी होती है, तो घड़ी को क्या कहीं भी टांग देना ठीक है या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, घड़ी को भूल कर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी घर वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो आपको यह सुन के कैसा लगेगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा प्रभाव डालती हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है के कारण पनपने वाली नेगेटिव ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं। किंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर एक, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा दें। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर दो, वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, नंबर तीन, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छुपाकर रखना चाहिए और झाड़ू भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। नंबर चार, शौचालय का दरवाजा सदैव बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नेगेटिव ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर पांच, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां कम होती हैं। दोस्तों, नंबर छह, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात कपूर अवश्य जलाना चाहिए। नंबर सात, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की दो टीकियां रखें, खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। नंबर आठ, सूर्य अस्त के पश्चात कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर नौ, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर दस, घर में टूटा हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर ग्यारह, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं, शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं,
यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है, ऐसे घरों से नकारात्मकता दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें, सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है, आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेप। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ियां अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। किंतु दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप दीप अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कोने होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और झालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चला रहते हैं, एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, दक्षिण यमलोक की दिशा मानी जाती है, काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्त और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें, समय सदैव सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता। ये छोटा सा आप करके देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है, इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं
ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे, ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी दान में देना शुभ माना जाता है, इससे आपके वन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दें।